हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि अमेजन एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न को लेकर के बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सभी भाइयों को रेफर एंड अर्न का जो ऑप्शन है शो नहीं कर रहा है, देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो प्रॉब्लम है आपको क्यों आ रही है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और आप इन्वाइट एंड अर्न का जो ऑप्शन है कैसे ला सकते हो। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर कुछ सर्च करना है अमेजन। अमेजन एप्लीकेशन को सर्च कर लेना। अगर आपका अमेजन एप्लीकेशन अगर अपडेट नहीं होगा तो सबसे पहले आपको अपने अमेजन एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद आपको अपना अमेजन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप सभी इस एप्लीकेशन को होम पेज पर आ जाओगे और आपको अमेजन पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा और पहले के टाइम में आपको जो रेफर एंड अर्न का जो इनवाइट एंड अर्न का जो ऑप्शन था आपको यहीं पर देखने के लिए मिलता था, लेकिन अभी के टाइम में ये जो रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन है यहाँ से हटा दिया गया है। और दोस्तों, जो दूसरा तरीका था यहाँ पर इन्वाइट करने का, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है सेंड मनी का, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, पहले आपको यहीं पर रेफर एंड अर्न वाला जो ऑप्शन है आपको देखने के लिए मिलता था, लेकिन दोस्तों यहाँ से भी इनवाइट एंड अर्न वाला जो ऑप्शन है यहाँ से भी हटा दिया गया है। तो दोस्तों, आप बारी आती है कि आपको यहाँ पर इनवाइट एंड अर्न का या फिर रेफर एंड अर्न का ऑप्शन आपको कैसे लाना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन के होम पेज पर आ जाना है। इस एप्लीकेशन को होम पेज पर आने के बाद आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा थ्री लाइंस का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक और नया इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कस्टमर सर्विस का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक और नया इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा टॉक टू अस का, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर से एक नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा अमेजन पे UPI EMI गिफ्ट कार्ड ETC, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इन्वाइट एंड अर्न कैशबैक का, तो हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा कंटिन्यू टू कस्टमर सर्विस, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पर कॉल मी नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात करूँगा और ये जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है और इसका सोल्यूशन क्या है मैं आपको डायरेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग पर मैं आपको सुनाने वाला हूँ। गुड आफ्टरनून सर जी, ये बोलना था कि सर जी हमारे अमेजन एप्लीकेशन में रेफर एंड अर्न वाला ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, ऐसा कहीं सर जी? रिटर्न एंड अर्न का ऑप्शन नहीं आ रहा सर अभी आपके पास, लाइन पे बने रहे, जरूर शायद की जाएगी जी। रेफर वाला प्रॉब्लम आ रहा है जी। ओके सर, बिल्कुल मैं जरूर सहायता करूंगा सर आपका। दो मिनट के लिए मैं आपकी कॉल को होल्ड पे रख सकता हूं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जी सर, श्योर सर जी, श्योर। ओके, थैंक यू, होल्ड पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर जी। ओके सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है। जी सर, मैं बताना चाहूंगा सर, इनवाइट एंड अर्न का जो ऑप्शन होता है सर, इनवाइट एंड अर्न का जो ऑप्शन होता है जी, ये हर टाइम पे मतलब एवरी टाइम आपके एप्लीकेशन पे अवेलेबल नहीं होता सर, मतलब 360 डेज आपके अकाउंट पे वो अवेलेबल नहीं होता है। ये जो होता है ना सर, ये आपका होता है, डिपेंड करता है किस तरह डिपेंड करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी सर, इनवाइट एंड अर्न का जो ऑप्शन होता है सर, ये आपको किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है, कैजा किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेजोन पे सपोज करिए 7:3 का आपका रेशियो है, 70% कस्टमर को ये सारे ऑफर्स प्रोवाइड किए जाते हैं सर, 30% का होल्ड होता है, टेम्परेली होल्ड होता है। जी सर, ठीक है ना, इन सम टाइम आफ्टर, ओके सर, 70% में से 30% कस्टमर को रिमूव किया जाता है, ओके, होल्ड किया जाता है, जैसे ऑफर्स होते हैं 30% जिनको नहीं मिल रहा होता है उनको ऐड किया जाता है। इस तरह से ये जो आपका होता है ना कैशबैक का, इनवाइट एंड अर्न, ओके सर, ये प्रमोशनल ये होते हैं, इस तरह से साइकिल करता है सर अमेजोन पे। जी तो अभी आपके पास जो अवेलेबल नहीं है ना, ओके सर, इस वजह से नहीं, क्योंकि अभी आपका टेम्पररी आपका होल्ड पे है, इस वजह से आपके पास वो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन आप कुछ समय के बाद दोबारा से चेक करेंगे ना, देखेंगे आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो ये टेम्पररी होता है सर, बहुत टाइम पे देखेंगे, हफ्ते दिन के अंदर ही आपके पास दोबारा से आ जाएगा या वीकली में आपका, ओके सर, जो भी हफ्ते के बाद आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा। तो ये जो होता है ना, इसी तरह से आपका इनवाइट एंड अर्न का होता है, तो आप कभी कभी देखेंगे आपके एप्लीकेशन पे शो नहीं करता है, कभी देखेंगे वो आपका अवेलेबल होता है सर, ओके सर, कि ये जो प्रोसीजर है ना इसी के थ्रू आपका ये काम करता है सर। मतलब कि सर जी कहने का मतलब अभी ये जो है कि डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ना सर जी?
बिल्कुल अभी आपका डिसकंटिन्यू किया गया है, लेकिन ये नहीं आपका कम्प्लीटली आपका ये कर दिया गया, डिस्क्लोज कर दिया गया। जी ये होल्ड होता है, मतलब कुछ समय के लिए सिर्फ आपका वो होल्ड पे होता है, ठीक है ना जी। तो सर लगभग ये जो प्रॉब्लम है सर जी ना, लगभग सभी के साथ आ रही है, इसलिए पूछ रहा था। ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये आपका एक सिस्टम है। सिस्टम क्या है कि एक समय पे ना सभी कस्टमर को ये सारे ऑफर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते सर, 70% को किया जाता है, 30% को नहीं किया जाता है, इस तरह से काम करता है। ओके सर जी सर, तो यही आपके है। तो अभी आपके पास अगर नहीं आ रहा ना तो अभी आपका वो होल्ड है, लेकिन अभी आपका जैसे कि आप मेरी बात हो रही है जी सर, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भी आपका ले लूंगा कि आपका ये चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ओके सर, ये जो है ना आपका जल्द से जल्द आपका दोबारा से फिर से अवेलेबल हो जाएगा जी। ऐसा नहीं कि आपको परमानेंट हटा दिया गया, कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आप फिर देखेंगे 2-4 दिन के बाद आपके पास वो आ जाएगा जी सर। ओके सर, इस तरह से आपका जो होता है ना प्रोफेशनल जो भी कोड वगैरह होता है ना इसी तरह से काम करता है सर, ठीक है ना। जी तो कभी भी अगर आपके पास नहीं आता है ना जी, आप इसके लिए चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, वो आपके पास अगेन आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना जी। आप ओके, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा जी सर। ओके, तो ये प्रोसीजर है, अगर आप भी नहीं आ रहा है 2-4 दिन के बाद आप चेक करिएगा, देखिएगा आपके पास दोबारा से आएगा वो चीज़ जी। ओके सर जी। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने सुना कि मैंने कस्टमर केयर से क्या क्या बात करी और ये जो प्रॉब्लम है क्यों आ रही है और इसका जो सलूशन क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अगर दोस्तों आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है इन्वाइट योर फ्रेंड को लेकर के, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ टाइम के बाद ये जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।